हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओप्पो फ़ोन में एयरटेल सिम पर मैसेज नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे। इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर मैसेज वाले ऐप को खोजना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर है मैसेज वाला ऐप, इस पर क्लिक करना है। फिर अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर परमिशन नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है। अब जो परमिशन अलाउ नहीं है उसे अलाउ करना है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है नॉट अलाउ, इसके नीचे जो भी परमिशंस हैं यह अलाउ नहीं हैं। तो हम लोकेशन पर क्लिक करते हैं और ऊपर अलाउ जो लिखा है इस पर क्लिक करके बैक आते हैं। तो देखिए परमिशन अलाउ हो गया। इसी तरीके से सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। अब बैक आते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज का, स्टोरेज नाम से भी हो सकता है, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फिर बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे? तो देखिए, जो मोबाइल का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे, मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगी। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। अब मैसेज आने लगेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।